और इस बीच बड़ी खबर कर्नाटक से है। मैसूर जमीन घोटाला केस में हाईकोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार। मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के फैसले को कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मैसूर जमीन घोटाले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी है और अब सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया है। तो मुड़ा केस में हाईकोर्ट पहुंची है राज्य सरकार, कर्नाटक सरकार। मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने केस चलाने की इजाजत दी, मंजूरी दी। अब उसके बाद से राज्य सरकार ने फैसला किया है कोर्ट जाने। अब सीएम के खिलाफ मुकदमे की अनुमति पर कांग्रेस भड़क गई है और उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पूरे मामले को सियासी बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर राजभवन काम कर रहा है। सिद्धारमैया ने दावा किया है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी मंत्री और विधायक एकजुट हैं, सब उनके साथ हैं। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है ये असंवैधानिक है। राज्यपाल के फैसले को डेप्यूटी सीएम ने संविधान के खिलाफ बताया है। डीके शिवकुमार ने कहा है कि जमीन घोटाले जैसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी अवैध कार्य नहीं हुआ है, ये राज्य सरकार का स्टिक है। दिस इज प्योरली नॉट मिस्टर सिद्धारमैया कैन ऑन बाय साइड ऑफ द एंटायर स्टेट द कांग्रेस पार्टी द लेजिस्लेटर्स एंड द कैबिनेट स्टैंड्स बिहाइंड मिस्टर सिद्धारमैया। ही इज माय चीफ मिनिस्टर, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर। We stand solidly behind him. The party also will have a proper program to support his case. There is no case. They have made a case without a case. So, Adrinda. तो मैसूर जमीन आवंटन घोटाले के आरोप में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम सिद्धारमैया पर बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी ने सीएम पर आरोप लगाया है कि मैसूर जमीन घोटाले में सीएम का परिवार शामिल है, यानी सिद्धारमैया का परिवार शामिल है। बीजेपी की माने तो 3 से 4 हजार करोड़ का यह घोटाला है। कर्नाटक के राज्यपाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद से कांग्रेस भड़क गई है। राज्य सरकार ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि यह असंवैधानिक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम, मुदा मतलब मैसूरु अर्बन डेवलपमेंट का ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूरु में लैंड अलॉटमेंट देखती है, उसकी डेवलपमेंट को देखती है, उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था। उसको लेकर कुछ सिविक सोसाइटी के लोगों ने, जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से कुछ टीजे अब्राहम, प्रदीप जी, स्नेहमयी कृष्णा, इन लोगों ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी को एक पिटीशन दिया था और पिटीशन में दे हैड डिमांडेड दैट परमिशन शुड बी ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धारमैया जी के ऊपर केस चले। सिद्धारमैया जी के परिवार ने, सिद्धारमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है, और इस पर केस चले इसकी अनुमति प्रदान की है। चलिए नागार्जुन का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आप सभी को और ज्यादा तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए। नागार्जुन, सियासी उठापटक काफी है यहां पर, अब बीजेपी हमलावर है, राज्य सरकार का स्टैंड क्या है, किस तरह की हलचल आप अभी देख पा रहे हैं कर्नाटका में? इनफैक्ट मुझे ये इंफॉर्मेशन आ रही है आशुतोष, दैट सीएम के लीगल एडवाइजर और एडवोकेट जनरल अभी इस वक्त हाईकोर्ट में हैं और एक पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं जिस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ, और केपीसीसी जो कर्नाटक कांग्रेस है स्टेट वाइड एक प्रोटेस्ट का एक आलोचन भी कर रहे हैं कि कल या परसों या संडे या मंडे जो भी है स्टेट वाइड पूरे राज्य के अंदर एक प्रोटेस्ट का कॉल प्रोसिक्यूशन के खिलाफ एक प्लान हो रहा है। और अभी सीएम भी एक हडल में है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, लीगल एडवाइजर्स, इंटेलिजेंस चीफ, डीजीपी के साथ अगला कदम क्या होना चाहिए, इसको कैसे लड़ना चाहिए, ये मुकदमा है। और उस तरफ बीजेपी की तरफ रात को शायद हर नेता, बीजेपी के नेता एक हडल में आएंगे, वो भी यही प्लान करेंगे कि कोशिश करेंगे कि दबाव डाले सीएम के ऊपर राजना इस्तीफा लेने के लिए कि कैसे रेसिग्नेशन ले सकते, तुरंत लेना पड़ेगा,
तो ऑल आईज विल बी ऑन हाई कोर्ट ऑन मंडे कि कोर्ट क्या निर्णय लेगा मंडे को। तो नागार्जुन क्या अब सीधा से ये समझें कि सीएम की जो कुर्सी है सिद्धरमैया की वो खतरे में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, वो बख्शने के मूड में नहीं है, वो सीधा उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 से 4 हजार करोड़ का ये पूरा घोटाला है। तो क्या इसको इस तरह समझा जाए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सीधे सीधे अब खतरे में है? As of now, I don't think so, Ashutosh, right now, खतरे तो अभी एक हफ्ते की बात है, क्योंकि एक हफ्ते में काफी सारे डेवलपमेंट है। अभी हाईकमांड का एक सपोर्ट भी है सिद्धरामैया के साथ, क्योंकि हाईकमांड का यह कहना है कि ये रिवेंज पॉलिटिक्स है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है। पूरा हाईकमांड, कैबिनेट और एमएलएस एमएलसी अभी इस वक्त सीएम के साथ है। अंदर का भी यही कहना है कि किसी ने सीएम को ये नहीं बताया कि आप सोच लीजिए रेसिग्नेशन के बारे में, आप चिंता कीजिए इसके बारे में, आपको छोड़ेंगे डिसीजन, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो सीएम का अभी कुर्सी इस वक्त खतरे में नहीं है, बट अगर जुडिशरी में एक रिलीफ नहीं आया तो फिर कह सकते खतरे में। एटलीस्ट इस वक्त 5 to 6 days का एक और क्वेश्चन है सीएम के पास। ठीक है नागार्जुन, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपका रुख करेंगे अपडेट के लिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।